योलकार ऋषि सुग्रीव जी अगवाणी में समूरा बहादुर जादूगर भोलड़ा श्री रामचंद्र जी चौधरी घेरो करे थी बीठा ए संदस हक में फतेह जा नारा हण लगा पर जंग अजा खत्म कान थी हुई ए नहायत खतरनाक सूरत अख्तियार करे वही भोलड़न तोड़े राक्षसन वारियों बई फौजों हर किस्म के हथियारों से लैस पैंजे बिन्हीं अगवाणन यानी श्री रामचंद्र ए रावण ते नजरों खपाए खामोश थी बीह रही जी इन फौजन के विच में समूरन हथियारों से लैस मुकाबले लाए मौजूद हुआ अकछिंब में वही बहादुरी ए डाप से वेड़ में चालू थी वह श्री रामचंद्र चो तो आऊँ फतेह हासिल कदस रावण के पाटा पिया तो आऊँ पक मरंदस बिन्हीं जोधन जेड़े में का कसर कान छड़ी ए पूरी ताकत से वड़िया ए तीरन ए बियन हथियारों के एतरे कसरत से इस्तेमाल कयाऊँ जो समूरो आसमान इन हथियारों से ढक वो श्री रामचंद्र ए रावण बिन्हीं एक बे की जंग घोड़न के वे तादाद में तीरन से मारे छड़ियों अड़ी तरह जंग चोट चढ़ी वही फतेह हासिल करण लाए बिन्हीं सरदार जान की बाजी लगे छड़ी रावण पांजी हार महसूस कदे कावड़ में गर्क थी वो जंगी सरदार जो गाड़ी हलाइंदड़ जंग के मैदान में पांच कारीगरी से चक्कर दींदा रहा ए बई जोधा एक बे एतरी घणे तादाद में तीर उछलाइंदा लगा जण त ककरन में बरसात थी पवे आखिरकार संदन गाड़ी अची एक बे के वेझू थी तने श्री रामचंद्र रावण की गाड़ी वारन चयन घोड़न से तीर वसा रावण वरी मत तीरन से हमलो कयो पर श्री रामचंद्र ये गुस्सा वो ऐडी फुर्ती से जहरीलो तीर रावण के हयाई जो उनकी एकड़ी सीसी कप की पट से किरी पई तो उन फलक करे संदस बी सीसी भी कपे बद कर विधी तो अचुत उन टी सीसी जाहिर थी इनके भी श्री रामचंद्र धड़ का धार कर तो उन रावण जो सौ खन बियू भी सीसियों पैदा थी जी इन कपियों पर हु यानी रावण समीन से कोन किरो उभ बीठो रो इन वक्त इंद्र देवता की गाड़ी हलण वाले शख्स श्री रामचंद्र के बुधायो तो साई तवें असुल ताकत जो मुजाहरो छून था करो इनके ब्रह्मा देवता वो हथियार हणो तो ये पूरा थी वे छो तो इन जहा ढी पूरा थी वहन देवता इन की पेशन गोई कर श्री रामचंद्र के जो हथियार अगस्त ऋषि बेले वे आस्थान से अची सुखड़ी तौर दिनों हो यो असुल में ब्रह्मा देवता इंद्र देवता के टिन्ही जानन के फतेह करण वास्ते कामयाब हथियार तौर अता कयो हो यो हथियार साइज में पर्वत जेड़ो वडो हो इन जी नोक सज जड़ी साड़ींदड़ बाह वारी हुई इन हथियार में समूरा कीमे मादा शामिल हुआ इन हथियार जो निशान कें सूरत में खता न थींदो हो यो हर जानवर जेड़ो कोई घोड़े हाथी तोड़े ठिकरी के भी चीरे फाड़े छींद हो मू तो इन के अगर खसी चीज हो श्री रामचंद्र जडे ये हथियार पांजे कमान में लगायो तो समूरा साह वारा खौफ में हजी वह पर धरती लड़ण लगी श्री रामचंद्र पांजी पूरी ताकत से छोड़ो तो यो खेवण वाली तेज से रावण की छाती में खुपी वो रत से भरजी वो इन रत वहण से रावण मरी वो तो यो हथियार वापस पांजे ही तीरकश में अची बंद थो राक्षसन यानी रावण की फौजन जडे खेस बोल हालत में पटते पियल डिठो तो मुँह कर वी भगा ए हर तरफ का बोलड़ा भी सदन कड लगा खेन भजाए छ्याऊँ जिन्हें भूतन ए देवन के अगवाण रावण के मारे श्री रामचंद्र पांजे खानदान की इज्जत बरकरार रखी सुगरी अखंड ए बेशन की मुराद पूरी कई जालिम दुश्मन से फतेह हासिल कई पांजे राज में सुरखुरु थो अमन कायम थो हवा साफ थी चंगी पर घुलण लगी इखलाकी कदर बहाल थो ए वक्त जो सितारो उरूज से रसो श्री रामचंद्र सीता के घुराया और जडे वो संदस भरसा निमाणी अबाणकी थी अची बीठी तद इन से मुखातिब थीदे पां दिल वाली गाल जाहिर कदे श्री रामचंद्र चो तो ए मान वाली शहजादी मुझे दुश्मन के मैदान जंग में मात करे तो के वरी हासिल करे वरतो आए सबुर ए धीरज में जितो भी कम थी सको ओतरो मुकम्मल कयो अथम कावड़ लही वही अथम छो तो मुझी इज्जत से हथ खणंदड़ के मारे मात करे खत्म कर छो अथम अज मुझी खूबी जाहिर थी आए जिदोजहद कामयाब थी आए वचन पूरा कयो अथम हाँ आऊँ आज़ाद आया तकतीर के फैसले मूजिब जालिम रावण था तुझो अगवा थियण मुखा तुझे विछोड़े के हाँ दरगुजर कर छो अथम जी मू बुढ़तर जो शिकार होने कर पुरजम थी पाँच इज्जत से हमलों कदड़न का जो को बदलो ना वन तेन एतरी घणी कुवत ए स्रोत कड़े कम की श्री रामचंद्र के मानन जे चौबोल सबब परेशान है इन तरह गालो ऋषि सीता भी दुख में डरी पई ए संदस गजाली अखियन में लुड़कन जो लारू चालू थी व्यू बोलड़न ए राक्षसन की मौजूदगी में
विड़ियल कारण वारन ऐं कमल जे पखड़िन जेडियूं वॾियुनि अखियुनि वारी सीता खे मुखातिब थींदे श्री रामचंद्र चयो त हिकु इंसान जी हैसियत में पंहिंजे वस आहे जेको मुमकिन हूंदो आहे ईअं कंदे पंहिंजी इज़त जो भरम रखियो अथमि। जीअं पोच खां परे ॾाखाणो मुल्क़ अगस्त बुज़ुर्ग जे दुआ सां वरी खटियो आहे तीअं तोखे पिणु हासिलु कयो वियो आहे। इन ते तोखे ख़ुशि थियणु घुरिजे ऐं हीउ पिणु मालूम हुजे त पंहिंजे दोस्तनि ऐं साथियुनि जी मदद सां कामयाबु थियल जंगी मुहिम ख़ैर सां पूरी थी। इहा फ़क़ति तुंहिंजे करे जोटी कान हुई, इन जा ॿिया बि अहम सबबु हुआ।